दोस्त ने की दोस्त की हत्या। पुलिस ने महज 48 घंटों में सुलझाई हत्याकांड की गुत्थी। पूरा मामला इस प्रकार से है कि 13 नवंबर को विरार के मांडवी क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक का शव पाया जाता है, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 21 वर्षीय युवक का नाम कमरुद्दीन गयासुद्दीन चौधरी है, जो नाला सुपारा के रफी कंपाउंड पेल्हार इलाके में अपने पिता के साथ भंगार का काम करता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को जेजे मुंबई के अस्पताल भेजा गया तो वहां के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा कि मृतक की मौत सिर में किसी हथियार से गोली मारने से हुई है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। जिसके बाद क्राइम ब्रांच सेल 2 वसई ने अलग अलग टीमों का गठन किया और मृतक शख्स के रिश्तेदारों और दोस्तों से वकानपाड़ा क्षेत्र में पूछताछ की, जहां मृतक रहता था। इसी दौरान मुखबिर से पुष्टि हुई कि मृतक घटना से पहले अपने पड़ोसी मोहम्मद सुफियान जाकिर हुसैन के साथ भिवंडी गया हुआ था। उसके बाद मोहम्मद सुफियान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने पैसे के लिए अपने दोस्त नदीम इकबाल अब्दुल अहमद शेख और जिसान उर्फ सोनू जावेद खान की मदद से मृतक को भिवंडी में कबाड़ का सामान दिखाने के बहाने से वह उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर भिवंडी रोड आने पर मृतक की चलती गाड़ी पर नदीम ने अपने पास रखी देसी पिस्तल से मृतक के सिर के पीछे 2 राउंड फायर कर उसकी हत्या कर दी। जुर्म कबूल करने के बाद जिसन उर्फ सोनू को हिरासत में ले लिया गया। नदीम के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि वह ट्रेन से अपने पैतृक गांव मोतिहारी बिहार जा रहा था। वरिष्ठ को इसके बारे में सूचित किया गया और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने भुसावल रेलवे पुलिस को सूचित किया और भुसावल रेलवे स्टेशन पर अपराध में इस्तेमाल अग्निशस्त्र और कारतूसों के साथ हिरासत में लिया गया। क्राइम ब्रांच सेल 2 वसई ने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में 48 घंटे के भीतर उक्त अपराध घटित होने के बाद से लगातार काम करते हुए अपराध का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम नदीम इकबाल अब्दुल अहमद शेख, मोहम्मद सुफियान जाकिर हुसैन शेख और जिसान उर्फ सोनू जावेद खान है। इनके पास से एक अग्निशस्त्र, 36 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन आदि जब्त किया गया। मांडवी पुलिस स्टेशन के हद में पारोल भिवंडी रोड पे एक अज्ञात किस्म का किसी अज्ञात लोगों ने उसका खून किया है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने के बाद मांडवी पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 166/22 के तहत 302 का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद में इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गए। लगने के बाद में हमें पता चला कि जो इसम जिसका खून किया गया था उसका नाम कमरुद्दीन चौधरी है, जो रहने वाला नाला सोपारा का है और जो भंगार व्यवसाय में काम भी करता है। उसके बाद में हमारे गोपनीय सूत्रों से पता चला कि कमरुद्दीन चौधरी किसी दोस्त के साथ में भिवंडी किसी काम से गया था। वो पता करने के बाद में हमारी यूनिट 2 के सभी ऑफिसर्स और टीम ने मोहम्मद सुफियान जाकिर हुसैन शेख को हमने ताबे में लिया और उसके बाद उसके पूछताछ में हमें पता चला कि सुफियान ने उसके साथ में उसके 2 साथीदारों ने एक गावटी पिस्टल से जो मैत है कमरुद्दीन का उसके पर 2 राउंड फायर करके उसका खून किया था, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी में हमने सुफियान को ताबे में लिया और उसके साथ में जो 2 लोग थे उसमें से सोनू जावेद खान को हमने पहले ताबे में लिया और उन दोनों के पूछताछ में पता चला कि ये जो नदीम शेख है ये ट्रेन से बिहार की तरफ जा रहा था। तो इमीडिएटली हमारे टीम ने वहाँ के रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करके भुसावल रेलवे स्टेशन से वहाँ से उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। इसी इम्पोर्टेंट ऑफेंस में हमने तीनों आरोपियों को 48 आवर्स के अंदर हमने गिरफ्तार किया है और साथ ही उनका जो वेपन जो इस गुने में इस्तेमाल हुआ था, जो गावटी पिस्टल है, उसको भी रिकवर किया है। करीबन 36 राउंड हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल जो गुने में इस्तेमाल की गई थी उसको भी हमने